उत्कल सांस्कृतिक परिषद श्री श्री जगन्नाथ मंदिर सेक्टर 6 के तत्वावधान में सेक्टर 6A मार्केट के सामने मैदान में स्थित गुंडीचा मंडप में महाप्रभु श्री जगन्नाथ के रथ यात्रा महोत्सव का पांचवा दिन हेरा पंचमी के रूप में मनाया गया। इस मौके पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी के समक्ष रामकथा की प्रस्तुति की गयी, जिसके बाद गुंडीचा मंडप में सार्वजनिक भोग अन्न प्रसाद का वितरण भी किया गया। हर साल की तर्ज पर इस साल भी उत्कल सांस्कृतिक परिषद के द्वारा महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के पर्व को विभिन्न आयोजनों के साथ मनाया जा रहा है। 20 जून को भव्यता से रथ यात्रा जहां निकाली गई, वहीं भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंडप पहुंचे। गुंडीचा मंडप में भगवान जगन्नाथ के विराजमान होने के बाद पांचवें दिन रामकथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। कथावाचक परम पूज्य श्री राम ज्ञानी दास महाराज महात्यागी के श्रीमुख से कथा का सार श्रद्धालुओं को श्रवण कराया गया। टूट गया और गंगा के तट पर हंसे। बाबा जी ने मानस में लिखा, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितो जानकी। जानकी जी के तरफ देखे और फिर लिखा तौ लखन पर। एक संत कहते हैं कि जानकी जी के तरफ पहले देखे। क्यों देखे? मानो जानकी जी को याद दिला रहे कि देवी स्वयंवर की कहानी पता है। जब जनकपुर में पानी ग्रहण के समय महाराज जनक ने तुम्हारे जैसे सुंदर कन्या का दान किया था, उस समय महाराज दशरथ को दाहिने पैर का एक अंगूठा धोने को दिया था। लेकिन आज ये केवल देने वाला कुछ नहीं है, दोनों चरण धो रहा है। किसी ने कहा नहीं, लक्ष्मण जी के तरफ देख के हंसे। मानो लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, लखन निष्काम भक्ति के तट पर खड़े हैं। रात को जो तू प्रवचन कर रहा था ना, तो निषाद राज ने कम सुना, केवट ज्यादा सुना है, और इसलिए तेरी बातों पर आज अटक है। अगर ब्रह्म है तो ब्रह्म को जैसे करना है कर लूं, फिर ब्रह्म के शरण में जाऊंगा। तो चेले के ज्ञान पे गुरु जी को खुश होना चाहिए। तुम मुंह चढ़ाए क्यों खड़े हो? मैं हंस रहा हूं, तुम भी हंसो। किसी ने कहा नहीं, अलग अलग देख के नहीं, दोनों के तरफ एक साथ देख के हंसे। उसके पीछे भक्तमाल देखकर अयोध्या में आए तो राघव की सारी सेवा मां भवानी करने लगी, सीता जी करने लगी। लक्ष्मण जी को भगवान का सेवा नहीं मिलने लगा तो लखन जी का चिंतन बंद हो गया, भोजन बंद हो गया, नींद बंद हो गया, उदास रहने लगे। एक दिन भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लखन क्या हो गया तुम्हें? तबीयत खराब है? बोले नहीं। तो उदास क्यों हो? चेहरा सूखा हुआ क्यों है? एकांत में क्यों रहते हो? तो लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज आप जानते हैं मेरा जन्म क्यों हुआ। राम काज लगी तव रव सेवा के लिए मेरा जन्म हुआ है। और जब से मां बहने ही ब्याह कर आई हैं, आपकी सारी सेवा वही करती हैं। अगर आपका सेवा ना मिले तो मेरे धूल की महिमा प्यारी देवत कहता सुना हमारी धूल की महिमा बहरहाल।
इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।